ये सारे क्रॉप्स कल्टीवेशंस के अलावा, सारे प्रोडक्ट्स के अलावा, फ्रूट्स की अगर हम बात करेंगे तो सपोटा, पपाई, जैक फ्रूट, ऑरेंज एंड बनाना, जैक फ्रूट, ऑरेंज एंड मौसम्बी और माउस, ये डिविजन्स में उगाए जाने वाले फ्रूट्स हैं। राइस एंड रागी, रागी का आटा और चावल, ये यहाँ के अहम तरीन फ्रूट्स माने जाते हैं। कहाँ के? बेंगलुरु डिवीजन के इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स, इम्पॉर्टेंट फूड माने जाते हैं। ठीक है, रोटी इज मेड अप ऑफ रागीज एंड राइस आर कंज्यूम्ड हियर। यहाँ पे रागी के, इस डिवीजन में अगर आप ट्रेडिशन के बारे में, आप यहाँ के फूड के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको मालूम होगा कि रागी के बने हुए रोटियां और चावल के बने हुए रोटियां, जिसे हम डोसा कहते हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं। द यूसेज ऑफ चपाती इज मेड आउट ऑफ व्हीट फ्लोर इज मोर इन रिसेंट टाइम्स। स्वीट्स लाइक पयासा, होलीगे, खिचड़ी आर कंज्यूम ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने किसानों के लिए, किसान जो अपने खेतों में उगाते हैं उसे बेचने के लिए, उसका बिजनेस करने के लिए, उसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल मार्केट्स यहाँ पे बना के रखे हैं। इस डिवीजन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी तालुके हैं, सारे तालुकों में गवर्नमेंट ने ये मार्केट बना रखी है, और उसके हेडक्वार्टर, उसके डिस्ट्रिक्ट के हेड ऑफिस के पास, हेडक्वार्टर के पास बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे किसान अपने देहात से अपना सामान लेकर आकर ओपनली, पब्लिकली अपने मार्केट में सेल कर सकते हैं। हियर द फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली। डायरेक्टली फार्मर जो है होलसेल के तौर पर और रिटेल के तौर पर अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली अपना प्रोडक्शन यहाँ पे आकर बेचते हैं। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड ग्रेनरीज और वेयर हाउसेज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक हेडक्वार्टर्स। यहाँ पे गवर्नमेंट ने सारे तालुक्स में, सारे डिस्ट्रिक्ट में वेयर हाउस यानी गोडाउन भी बना के रखे। इस गोडाउन में किसान जो है पेमेंट के तौर पर फीस देकर अपना जो माल है महफूज रखते हैं, स्टोर करते हैं, जहाँ पे उनका माल खराब नहीं होगा, जहाँ पे उनका सामान डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जहाँ पे उनकी खेती की हुई जो प्रोडक्ट्स है वो खराब नहीं होते। तो गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में और हर डिस्ट्रिक्ट के हर तालुके में बेंगलुरु डिवीजन के अलग अलग तरह के गोडाउन वेयर हाउसेस बना रखे हैं, जहाँ पर किसान जाकर स्टोर करते हैं, जहाँ पर किसान जाकर अपना सामान सेफ रखते हैं, महफूज रखते हैं, के वक्त वक्त के तौर पर जैसा जैसा रिक्वायरमेंट हुई वहां से निकाल कर किसान बेचने लगते हैं। नाउ यहाँ की जो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, ये था एग्रीकल्चरल सेक्टर। जहां अब हम इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे, कंपनीज की अगर बात करेंगे, तो बेंगलुरु डिवीजन में जितने भी 9 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उसमें इंडस्ट्रीज को बनाना, इंडस्ट्रीज की बनाने की शुरुआत करने वाले कौन थे? सर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, ये फाउंडर है इंडस्ट्रियल सेक्टर के। इन्होंने ही सबसे पहले इंडस्ट्रीज बनाने का प्लान रखा और इंडस्ट्रीज बनाने की शुरुआत की। ही इम्प्लीमेंटेड द फोरथॉट ऑफ कृष्ण राजा वड़ेयर फोर। इफ यू डोंट एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज वी नाउ वी कैन अटेन प्रोग्रेस। We cannot attain progress. Sorry, if we don't establish industries now, we cannot attain progress. मतलब अगर हम अब industries नहीं बनाएंगे तो हम आगे development नहीं कर सकते, तरक्की नहीं कर सकते। यही goal को लेकर सर विश्वेश्वरैया ने बेंगलोर division के जितने भी districts है, सारे districts में अलग अलग तरह के suitable industries बनाने की शुरुआत की। Big industries have established in places like Bangalore, Bhadravati, Tumkuru, Shivamoga and other districts. बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बेंगलुरु में बनाए गए, भद्रावती में, तुमकुर में और शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनाए गए, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज, बहुत बड़े बड़े कंपनीज बनाए गए। और बेंगलुरु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल प्लेस इन इंडिया। आज भी इंडिया में जो है बेंगलुरु इंडस्ट्रियल प्लेस के तौर पर फेमस है, मशहूर है। क्या वहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज आपको मिलेंगे, बहुत सारे फैक्ट्रीज मिलेंगे, बहुत सारे कंपनीज आपको मिलेंगे। There is an iron and steel industry in Bhadravati of Shivamoga district. It was established in the year 1923. It is also called as Visveshwaraya Iron and Steel Industries Limited. आज भी 1923 में जो विश्वेश्वरैया ने
भद्रावती में, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट का जो भद्रावती प्लेस है वहां पर आयरन की और स्टील की इंडस्ट्री, यानी लोहे के बने हुए सामानों की बनाने के लिए और स्टील के इस्तेमाल करके स्टील के सामान बनाने के लिए, लोहे के सामान तैयार करने के लिए और स्टील के सामान तैयार करने के लिए जो इंडस्ट्री भद्रावती में खोली गई थी वो आज भी सर एम विश्वेश्वरैया स्टील फैक्ट्री लिमिटेड के नाम से मशहूर है। ये फैक्ट्री 1923 में भद्रावती में सर एम विश्वेश्वरैया ने शुरू की थी। बट द पॉइंट, दिस इज अ पेपर प्रोडक्शन फैक्ट्री हियर, देयर इज अ पेपर प्रोडक्शन फैक्ट्री हियर, और यहाँ पर भद्रावती में ये स्टील और आयरन फैक्ट्री के अलावा भी 1936 में पेपर बनाने की फैक्ट्री भी शुरू की गई थी। इसके अलावा सीमेंट फैक्ट्री भी भद्रावती में बनाई गई, बिरला सीमेंट फैक्ट्रीज इन अम्बा संदरा ऑफ तुमकुरु डिस्ट्रिक्ट। तुमकुरु डिस्ट्रिक्ट का जो अम्बा संदरा प्लेस है, तालुक है, वहां पर आज भी बिरला सीमेंट फैक्ट्री बनी हुई है। तो ये सारे फैक्ट्रीज है जो बेंगलुरु डिवीजन में शुरुआत किए गए थे। इसी तरह स्टूडेंट्स, यहाँ पर भद्रावती में जो सीमेंट फैक्ट्री शुरू की गई थी, एस्टैब्लिश की गई थी, वो सबसे फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री थी कर्नाटका की, जिसका नाम है बिरला सीमेंट फैक्ट्री, जो अम्बा संदरा में तुमकुरु डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, बेंगलुरु इज ऑल्सो नोन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, और बेंगलुरु आज के डेट में वर्ल्ड लेवल पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैपिटल माना जाता है। इसलिए क्योंकि बेंगलुरु में मैक्सिमम आपको आईटी सेक्टर्स के सॉफ्टवेयर कंपनीज मिलेंगे, आईटी सेक्टर के इंडस्ट्रीज मिलेंगे, डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, कोडिंग इंडस्ट्रीज, मेंटेनेंस इंडस्ट्रीज, सर्विसिंग इंडस्ट्रीज आपको बेंगलुरु में आज के डेट में भी पाए जाते हैं। और ये इंडस्ट्रीज जो है एक्चुअली ये क्या है, मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अहम तरीन सोर्स है। एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब्स के लिए, जॉब के लिए और जॉब ओपनिंग के लिए इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत बड़ा सोर्स है। कर्नाटका इज रैंक सेकेंड इन द एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स इन इंडिया। गारमेंट्स का जो प्रोडक्शन है, कपड़ों का, लिबास का जो प्रोडक्शन है, उसमें कर्नाटका का रैंक सेकेंड है पूरे इंडिया में। कर्नाटक सेकेंड, यानी कर्नाटक में ही सेकेंड मोस्ट मैक्सिमम क्वांटिटी में कर्नाटका से गारमेंट्स एक्सपोर्ट होते हैं। लिबास, कपड़ा, कपड़े की बनावट कर्नाटक में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है इंडिया में। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अपैरल पार्क्स इन सिटीज लाइक दौड़बल्लपुरा अनेकल टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्रीज लाइक एरोनॉटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। दीज आर एक्टिव इन बेंगलुरु। गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे पार्क्स बना के रखे हैं जहाँ पर, जैसे कि दौड़बल्लापुर में है, क्यों, ताकि रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस हो सके। हमारे डेली लाइफ में रेडीमेड कपड़े इस्तेमाल करते हैं, अब आज के दौर में तो मैक्सिमम रेडीमेड जर्किंस है, रेडीमेड जीन्स पैंट्स है, रेडीमेड शर्ट्स है, रेडीमेड पैंट्स है, रेडीमेड फॉर्मल्स है, ये सारे चीज़ें रेडीमेड बिजनेस बढ़ाने के लिए बेंगलुरु गवर्नमेंट ने पार्क बना के रखे हैं। कहाँ पर, दौड़बल्लापुर में, अनेकल में, ठीक है, ताकि इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा रेडीमेड गारमेंट्स बनाए जा सके। ठीक है, उसके अलावा इंडस्ट्रीज लाइक एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक इंडस्ट्रीज जहाँ पे प्लेन बनते हैं, जेट फाइटर्स बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी डिवाइस हम यूज़ करते हैं आज के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, जैसे कि लैपटॉप है, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कंपनीज आज बेंगलुरु में खोले गए हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कंपनीज और बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज बेंगलुरु में आज खोले गए हैं। Since some of these industries are public companies and many are private companies, थोड़े से private हैं और थोड़े से government companies यहाँ पर मौजूद हैं। तो बेंगलुरु division overall तौर पर बहुत ज़्यादा factories और industries के लिए मशहूर है।
और इस डिवीजन के बारे में आप ये सारे वीडियोस बार बार रिपीटेडली देखिए और अच्छी तरह रिवाइज करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर